तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास वेव्स के बारे में कि वेव्स क्या हैं और वेव्स की टाइप्स की बात हम करेंगे जब वेव्स को डिफाइन किया जाता है तो वेव्स के बारे में यह कहा जाता है कि वेव इज द मॉड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कि वेव हमारे पास एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक मॉड है एक मेथड है मैट्रिक में आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने पढ़ा था कि एनर्जी दो तरह से ट्रांसफर होती है हमारे पास एनर्जी या तो बाय मैटर ट्रांसफ़र होती है या बाय वेव ट्रांसफर होती है तो मॉड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दो हैं जब कहीं ब्लास्ट की अगर बात करें या गन और बुलेट की कि बुलेट को फायर करते हैं तो वहां पर जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है दैट इज़ थ्रू मैटर लेकिन जब हम सनलाइट की बात करते हैं साउंड की बात करते हैं तो यहां पर एनर्जी की जो ट्रांसमिशन है बिटवीन टू पॉइंट्स दैट इज़ थ्रू वेव्स नेक्स्ट पॉइंट माइंड में ये आता है कि वेव्स की टाइप्स कितनी हैं तो अगर हम वेव की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास वेव की थ्री टाइप्स हैं पहली टाइप है मैकेनिकल वेव अब मैकेनिकल वेव के बारे में आप लोग जानते हैं कि एक ऐसी वेव जिसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है मीन्स अगर मीडियम नहीं होगा तो ये वेव प्रोपोगेट नहीं करती दूसरी हमारे पास जो टाइप है दैट इज़ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव जिसको आप ई वेव भी कह सकते हो ये वो वेव है जो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है फॉर प्रोपोगेसन के मीडियम है नहीं है ये तब भी प्रोपोगेट करती है और तीसरी टाइप हमारे पास होती है मैटर वेव जो आप मैट्रोवे का पढ़ते हैं कि कि हाइपोथेसिस क्या था कि अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम है तो उसकी वेवलेंथ भी होगी तो उसको मैटर वेव का नाम दिया जाता है और एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास वेव में एनर्जी ट्रांसफर होती है मैस मैटर ट्रांसफर नहीं होता कि अगर हम सोचते हैं कि क्या पार्टिकल भी आगे मूव कर रहे होते है? नहीं पार्टिकल अपने पॉइंट पर रहकर वाइब्रेट कर रहे होते हैं उनकी डिस्टर्बेंस हो रही होती है लेकिन हमारे पास किसी भी जगह पर वेव के अंदर मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा होता अब मैकेनिकल वेव के बारे में आप सब लोग जानते हैं हम अगर स्टेटमेंट की बात करें तो क्या कहेंगे कि मैकेनिकल वेव इज अ टाइप ऑफ वेव विच डिपेंड्स ऑन मीडियम फॉर प्रोपोगेशन और अगर हमारा मीडियम नहीं होगा तो पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे और पार्टिकल्स अगर वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे तो डिस्टर्बेंस नहीं होती अब मैकेनिकल वेव के अंदर एक पॉइंट याद रखना आपने एम के लिए कि मीडियम कौन सा होना चाहिए क्या हर मीडियम के अंदर हर तरह की मैकेनिकल वेव ट्रांसमिट होती है नो no. इस मीडियम के दो करेक्ट्रिस्टिक्स हमारे पास हैं और वो क्या है उस मटेरियल की इलास्टिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए कि अगर उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो तो वापस स्टेट को रीगेन कर सके जैसे स्ट्रिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं क्रस्ट एंड ट्रफ तो वो पार्टिकल दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आने की प्रॉपर्टी रखते हैं और दूसरी चीज़ उस मीडियम के अंदर इनर्शिया होना चाहिए तो ये वो दो करेक्ट्रिस्टिक्स हैं जो अगर मीडियम के अंदर होंगे तो फिर उनमें मकैनिकल वेव ट्रांसमिट होती है मकैनिकल वेव की अगर हम बात करें स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है तो ट्रांसफर वेव अगर मैकेनिकल वेव होगी तो उसकी स्पीड फाइंड करने के लिए अंडर रूट टेंशन इन अ स्ट्रिंग ओवर मैस पर यूनिट लेंथ यहाँ आगे जाके फार्मूला हम डिस्कस भी करते हैं अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडल वेव की तो उसकी स्पीड का फार्मूला होता है अंडर रूट मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइड बाई डेंसिटी तो ये हमारे पास रिलेशन है मकैनिकल वेव में स्पीड को फाइंड करने के एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो बेस्ट हमारे पास एग्जाम्पल मकैनिकल वेव की साउंड है जो एक्सप्लेन करती है ये ऊपर वाले पॉइंट को कि अगर मीडियम नहीं होगा तो ये प्रोपोगेट भी नहीं करेगी साउंड वैक्यूम में ट्रांसमिट नहीं होता एक एमसीक्यू आया था पास पेपर्स के अंदर कि हमारे पास अगर कोई एस्ट्रोनॉट है जो मून पे खड़ा है अगर किसी और जगह कोई ब्लास्ट होता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो ब्लास्ट हुआ है उसको ऑब्जर्व कैसे करेगा ऑब्वियसली सुन के नहीं कर सकता क्योंकि वैक्यूम में साउंड ट्रांसमिट नहीं होता तो उसको जो नज़र आएगा उससे वो ऑब्जर्व कर पाएगा कि वाकई किसी और प्लानेट में या स्पेस में किसी जगह ब्लास्ट हुआ है तो मीडियम होना ज़रूरी है मैकेनिकल वेव की ट्रांसमिशन के लिए इसी तरह वेव्स इन अ स्ट्रिंग ये भी हमारे पास ट्रांसफर्स मैकेनिकल वेव है और हमने इस यूनिट में पर्टिकुलरली मैकेनिकल वेव को ही डिटेल में डिस्कस करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ टाइप ऑफ वेव विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन मीडियम ना भी हो तब भी ये वेव प्रोपोगेट करती है लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि मीडियम आने या ना आने से इनकी स्पीड को फर्क नहीं पड़ेगा अगर हमारे पास लाइट ट्रांसमिट वैक्यूब में हो तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और डेंसन मीडियम में जाकर लाइट की स्पीड कम हो जाती है तो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम फॉर प्रॉपोगेशन का मतलब कभी भी ये नहीं है कि मीडियम के आने से इनकी करेक्ट्रिस्टिक्स चेंज नहीं होते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसकी स्पीड का जो फार्मूला है ये हमने यूनिट वन में एक क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था वन ओवर अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो हमारी वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट जो थ्री टेंडे टू पार एट मीटर पर सेकेंड उसके इक्वल आएगी और ये वैक्यूम में स्पीड है एग्जाम्पल्स आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे भी इस यूनिट के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम गैमा रे अप टू रेडियो वेव्स चाहे गैमा रे है एक्स एक रे है अल्ट्रा वायलेट है विजिबल है रेडियो वेव्स हैं ये तमाम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स हैं थर्ड हमारे पास जो टाइप है वो मैटर वेव है और वेव के लिए मैं आपको याद रखने के लिए सिंपल ये कह देता हूं कि इफ अ पार्टिकल बिहेव्स लाइक अ वेव कि अगर एक पार्टिकल बिहेव करता है एक वेव की तरह और ये एक्सप्लेन किसने किया था डी डीप ने ये रिलेशन है इज इक्वल टू एच ओवर पी कि अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम होगा तो उसकी वेवलेंथ भी होगी तो ऐसी वेव को वेव्स का हम नाम देते हैं इसकी मैं एक एग्जाम्पल आपको पर्टिकुलर बताऊं कि हमारे पास एग्जाम्पल क्या है जहां पर ये एज अ मैटर वेव तो हम जब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम अगर हम पास करवाते हैं एक डबल स्लेट प्लेट में से तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन बीम अगर एक डबल स्लेट प्लेट में से पास करती है तो सामने स्क्रीन के ऊपर हमारे पास डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस होती हैं तो ये क्या एक्सप्लेन करता है अगर यहां पर हमारे पास डायफ्रेक्शन हो रही है इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास बिहेवियर है वो क्या है वो एज अ वेव है क्योंकि डायफ्रेक्शन इंटरफेरेंस ये वेव नेचर को शो करता है तो इस तरह की और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जैसे हम बात करते हैं एक्सरे डायफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल्स की जिसको एक्सरे क्रिस्टोग्राफी का नाम भी दिया जाता है वहाँ पर एक्सरेज क्या है एक्सरेज हमारे पास पार्टिकल अगर हैं तो वो पार्टिकल वहाँ पर क्या बिहेव कर रहा है वो एज अ वेव बिहेव कर रहा है फिर इलेक्ट्रॉन्स का डायफ्रैक्ट हो जाना किसी भी जगह से चाहे डबल स्लेट हो सिंगल स्लेट हो तो ये इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है और ये मैटर वेव को एक्सप्लेन करेगा और इसकी प्रैक्टिकल अगर हम एप्लीकेशन की बात करें कि हमारे पास इस करेक्टिक की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है तो दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो हम लोग चैप्टर नंबर नाइनटीन सेकेंड ईयर में डिस्कस भी करते हैं ये तो हो गया एक ब्रीफ सा बेसिक इंट्रोडक्शन वेव्स के बारे में अब हम बात करते हैं मैटर मैकेनिकल वेव के बारे में कि मैकेनिकल वेव की हमारे पास टाइप्स क्या मैकेनिकल वेव को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है या तो मैकेनिकल वेव को क्लासिफाई किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन द डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम या फिर मैकेनिकल वेव को क्लासिफाई किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम पार्टिकल जो हैं किसी मीडियम के उनकी मोशन क्या है क्या वो वेव की प्रोपोगेशन के अलोंग है या वो वेव की प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है तो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव हम देखें तो हमारे पास दो हैं एक है ट्रांसवर्स और ट्रांसवर्स का वर्ड यूज़ ही वहां पर होता है जहाँ कुछ परपेंडिकुलर हो जैसे टेंजेंशियल एक्सेलेषन के लिए कई बुक्स में ट्रांसवर्स एक्सेलेशन का वर्ड यूज होता है मींस परपेंडिकुलर एक्सेशन जो, जो सेंटीबीटल के परपेंडिकुलर हो तो ट्रांसवर्स वेव्स और हमारे पास जो दूसरी टाइप्स है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव के दो नाम और भी हैं इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव के अलावा कंप्रेशनल वेव भी कहा जाता है और कंप्रेशनल वेव के अलावा इसको प्रेशर वेव भी कहा जाता है और प्रेशर वेव कहने की जो रीजन होती है वो ये है कि जब हमारे पास पार्टिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं मीडियम के अंदर तो वहां पर कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ जाता है रेयर फ्रैक्शन में प्रेशर कम हो जाता है तो प्रेशर में ओवरऑल हम देखते हैं कि हमारे पास हर जगह पर चेंज आ रहा होता है तो प्रेशर वेव लॉन्गिट्यूडल वेव कंप्रेशनल वेव ये हमारे पास एक ही नाम है अब ट्रांसफर वेव क्या वेव है इसको समझने के लिए मैं मेंशन करता हूँ कि लेट से ये एरो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोपोगेशन ऑफ वेव को कि किसी मीडियम में इस डायरेक्शन में एक वेव प्रोपोगेट कर रही है यानी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो अगर हमारे पास किसी भी मीडियम में इस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है और ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस मीडियम के पार्टिकल्स को तो अगर पार्टिकल मीडियम के वाइब्रेट करें मूव करें वेव की प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर देन दिस टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसफर वेव इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो क्या कहेंगे अ टाइप ऑफ वेव या टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव इन विच ऑफ़ द मीडियम वाइब्रेट पर पेंडिकुलर टू द प्रोपेशन ऑफ वेव अब यहां पर हमारे पास एक स्टेटमेंट और भी यूज हो सकती है और वो क्या है वो स्टेटमेंट ये है कि पार्टिकल्स मूव एक्रॉस कई दफा ये स्टेटमेंट यूज हो रही होती है किसके अक्रॉस एक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसके अक्रॉस अगर पार्टिकल मूव करेंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाती है ट्रांसफर्स वेव कहलाती है और अगर हम बात करते हैं लॉन्गिव की तो लॉन्गिव में अगर मैं इसी चीज को एक्सप्लेन करता हूं कि लेट से हमारे पास ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोपोगेशन ऑफ वेव को ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को कोई भी स्टेटमेंट यूज हो सकती है क्वेश्चन में तो अगर हमारे पास इस जगह पर जो पार्टिकल है मीडियम के वो या तो वेव की प्रोपगेशन के अलोंग मूव करें या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो अगर ऐसा हो कि अलोंग मूव करें हमारे पास पैरेलल या एंटी पैरेलल तो ऐसी वेव को लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशनल या प्रेशर वेव कहा जाता है तो यहाँ पर एग्जामिनर अगर स्टेटमेंट लिखता है तो क्या लिखेगा लिखेगा पार्टिकल्स मूव अलोंग अलोंग में दोनों चीज़ें या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल किसके अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव ये हमारे पास क्या कहलाता है ये हमारे पास कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल compressional या प्रेशर वेव फर्दर अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो वेव है इन वेव की कितने पार्ट्स हैं तो ट्रांसफर वेव हो या longitudinal वेव हो इन दोनों के अंदर अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं तो दोनों वेव के दो दो पार्ट्स हैं ट्रांसफर वेव में पार्टिकल मूव करता है परपेंडिकुलर तो पार्टिकल जब मूव करेगा परपेंडिकुलर तो इसके जो दो पार्ट है वो क्या हैं वन इज क्रस्ट एंड वन इज़ ट्रफ जो हमारे पास ऐसे पार्टिकल हैं जो मीन लाइन के अबव मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं क्रस्ट कहलाता और जो डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा वो क्या कहलाता है ट्रफ कहलाता और यहीं से हम वेवलेंथ को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ वेवलेंथ जो हमारे पास एक क्रस्ट और एक ट्रफ इसकी जो लेंथ है ये वेवलेंथ है लेमडा और इसको यूं भी डिफाइन किया जाता है कि अगर डिस्टेंस लिया जाए उन दो पॉइंट्स के दरमियान जिनका फेस सेम हो अगर मैं यहां पर आपसे फेस का क्वेश्चन पूछता हूं तो यहां पर जो पॉइंट ए है इसका फेस सेम जो होगा वो ए डैश से होगा इसी तरह अगर मेरे पास यहां पर पॉइंट बी है तो पॉइंट बी का जो फेस होगा वो बी डैश से होगा तो वेवलेंथ को जब डिफाइन किया जाता है तो वेवलेंथ को ये भी डिफाइन किया जाता है कि ये डिस्टेंस होता है उन दो पॉइंट्स के दरमियान जिनका फेज सेम होगा बस कई दफा क्वेश्चन फेज से रिलेटेड आता है तो वहां पर आपको ये आइडिया होना चाहिए कि फेज उन्हीं का सेम होगा जिनके दरमियान डिस्टेंस कितना है लेमडा है और अगर डिस्टेंस लेमडा नहीं है तो इसका मतलब उनके दरम्यान हमारा फेज डिफरेंस जीरो नहीं है अगर यहां पर एक पॉइंट मेंशन कर दिया जाए सी तो सी इनमें से किसी भी पॉइंट के साथ फेज में नहीं है सी एज कंपेयर टू अगर हम देखते हैं क्रस्ट और ट्रफ तो ये दोनों क्या हैं या आउट ऑफ फेज हैं क्योंकि क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है वो लेमडा होता है तो कई दफा ये सिंपल क्वेश्चन भी हमें कंफ्यूज करते हैं लेमडा के हवाले से तो दो क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस लेमडा क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस लेमडा बाई टू किसी भी वेव में उन दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस जिनका फेस सेम होगा हम उसको भी क्या बोलेंगे कौन सा पॉइंट है जिसकी पिर्डिक मोशन ए वाली है वो ए डैश है अगर बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट जैसा दूसरा पॉइंट कौन सा होगा वो बी डैश होगा तो जिन दो पॉइंट का फेज सेम होगा हमारे पास उनकी दरम्यान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा वो लेमडा होगा ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि हमारे पास जो वेवलेंथ है उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है एक पॉइंट मुझे यहां बताइएगा जो क्रस्ट और ट्रफ पे जो पॉइंट होता है उसमें किस तरफ मूव करने की टेंडेंसी होती है अगर एक पॉइंट क्रस्ट पर हो या एक पॉइंट ट्रफ पर हो से मैं यहाँ पर उनको नाम दे देता हूं एक पॉइंट को बी और यहां मैं एक पॉइंट को नाम दे देता हूं डी तो इन दोनों पॉइंट्स के पास किस तरफ मूव करने की है 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 क्या इनके तरफ मूव करने की टुवर्ड एक्सट्रीम या टुवर्ड्स मीन इसका आंसर होगा टुवर्ड्स मीन कि इन पार्टिकल्स में जो टेंडेंसी है मूव करने की वो क्या होती है वो टुवर्ड्स मीन होती है अगर तो आप वेव की प्रोपगेशन को आप देखते हैं तो हमारे पास अप एंड डाउन तो जो पार्टिकल एक्सट्रीम की तरफ जाता है उसने वापस कहाँ मूव करना, है? वो मीन की तरफ करना होता है तो दोनों स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो पर्टिकुलरली जब हम ट्रांसफर वेव की बात अब कर रहे हैं तो ट्रांसफर वेव की स्पीड को फाइंड करने का जो फार्मूला है दैट इज अंडर रूट ऑफ टेंशन इन ओवर मैस पर यूनिट लेंथ एक फार्मूला पहले आया था रॉकेट के अंदर रॉकेट की एक्सेलेशन में जहाँ स्मॉल एम मैस को रिप्रेजेंट नहीं करता वो मैस ओवर टाइम को रिप्रेजेंट करता है इसी तरह यहाँ पर भी इस फार्मूला में जो एम है मैंने साथ एम डॉट लिखा ये बेसिकली क्या है ये मैस पर यूनिट लेंथ है किसकी स्ट्रिंग की और इसको बोलते क्या है इसको बोलते हैं लीनियर मैस डेंसिटी ये पॉइंट आप सब लोगों को पता है कि डेंसिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई भी चीज़ डिवाइड हो जाए हमारे पास मैस डिवाइड हो जाए वॉल्यूम से तो वो डेंसिटी है डेंसिटी तीन तरह की होती है एक होती है लीनियर डेंसिटी एक होती है सरफेस डेंसिटी और एक होती है वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी जब मैस डिवाइड वॉल्यूम से होता है तो ये वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है जब एनर्जी डिवाइड वॉल्यूम से होता है तो उसको एनर्जी डेंसिटी वो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मैस पर यूनिट वॉल्यूम और जब कोई चीज़ सरफेस से डिवाइड हो एरिया से डिवाइड हो तो उसको सरफेस डेंसिटी कहते हैं जैसे आप चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया तो वो सरफेस डेंसिटी होती है तो कोई भी चीज़ डिवाइड वॉल्यूम से हो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी कोई चीज़ डिवाइड एरिया से हो तो हमारे पास वो सरफेस डेंसिटी है और जब कोई चीज़ डिवाइड लेंथ के साथ होती है कोई फिजिकल क्वांटिटी तो उसको लीनियर डेंसिटी कहा जाता है तो यहां पर मैस जब लेंथ से डिवाइड होगा तो इस क्वांटिटी को लीनियर मैस डेंसिटी का नाम दिया जाएगा लीनियर मैस डेंसिटी तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि ये फार्मूला पर्टिकुलरली कहाँ पर यूज होता है ट्रांसफर वेव्स में और कौन सी ट्रांसफर वेव्स में जब हम वेव्स की बात करें वो प्रोड्यूस हो स्ट्रिंग में चाहे वो सिंपल ट्रांसफर वेव्स हैं या वो स्टेशनरी वेव्स हैं तो वहां पर स्पीड ऑफ वेव के लिए ये रिलेशन यूज हो रहा होता है एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें ट्रांसफर वेव की तो ट्रांसफर वेव की हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें वाटर वेव्स आती हैं और रखिएगा ये वाटर वेव्स हमारे पास सरफेस पे होती हैं पानी के अंदर ट्रांसफर वेव प्रोपोगेट नहीं करती और रीजन क्या है मैंने ऊपर बात की थी कि इलास्टिसिटी होनी चाहिए गैसेस के अंदर और इसके अलावा हमारे पास लिक्विड्स के अंदर ट्रांसफर वेव प्रोपोगेट नहीं करते क्योंकि उनकी इलास्टिसिटी कम होती है गैसेस के अंदर हम जैसे कहते हैं ना कि आइडियल गैस है किसी तरह की फोर्स ही एग्जिस्ट नहीं करती तो इसी तरह यहां पर भी याद रखना है कि यहां पर हमारे पास अगर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती तो इनमें इनर्शिया नहीं होगा स्टेट को वापस लेकर आने का सॉलिड्स के अंदर तो हर एक हमारे पास एटम लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर वाइब्रेट करता है तो उसके अंदर टेंडेंसी होती है मीन के अराउंड वाइब्रेट करने की तो जैसी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है वो दोबारा मीन की तरफ वापस आ जाएगा लिक्विड्स और गैसेस के अंदर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती तो वाटर वेव्स की जब बात हम करते हैं तो याद रखिएगा ये ऑन द सर्फेस ऑफ ओशन की बात करते हैं विद इन वाटर बात नहीं करते हैं इसके अलावा वेव्स इन अ स्ट्रिंग स्ट्रिंग को जब प्लग किया जाता है डिस्टर्ब किया जाता है तो वहां पर भी जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो हमारे पास ट्रांसफर वेव्स हैं स्ट्रिंग का होना जरूरी नहीं है इवन स्प्रिंग अगर आपके पास है और स्प्रिंग के भी एक एंड को आप पकड़ कर और स्प्रिंग कैसा होना चाहिए लूज अगर इसको आप अप एंड डाउन मूव करवाते हैं तो यहाँ पर भी जो वेव प्रोड्यूस होती है वो ट्रांसफर वेव्स है जी नीस कह सकते हैं ग्रेडियंट के लीनियर डेंसिटी सेम है क्योंकि ग्रेडियंट के अंदर भी जो टर्म है वो डिवाइड किसे हो रही होती है वो लेंथ या डिस्टेंस से डिवाइड हो रही होती है तो मैंने यहां पर एक पॉइंट आपको बताया और यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक जितने हमने बातें की वो यही है कि हमारे पास जो ट्रांसफर वेव्स होती हैं ये किन में प्रोपोगेट करती हैं और किन में प्रोपोगेट नहीं करती है? तो ट्रांसफर्स वेव सॉलिड्स के अंदर प्रोपोगेट करती हैं और रीजन क्या है सॉलिड्स की इलास्टिसिटी ज्यादा है और अगर मैं बात करता हूं इसके ऑपोजिट तो याद रखिएगा कि ट्रांसफर वेव्स लिक्विड्स में यानी फ्लूड्स की ओवरऑल बात कर लें और गैसेस के अंदर ये प्रोपोगेट नहीं करती और रीजन क्या है रीजन ये कि इनकी इलास्टिसिटी कम होती है तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ट्रांसफर वेव किन में प्रोपोगेट करती हैं और किन में प्रोपोगेट नहीं करती लाइट की बात तो याद रखिएगा कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय नेचर ट्रांसफर्स होती हैं। ये भी पॉइंट मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव इस ट्रांसफर्स बाय नेचर क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर भी आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है या मैग्नेटिक कंपोनेंट है उसमें उनकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उसके साथ जो एंगल बनता है कितना बनता है 90 होता है यानी फोटोन की जो वाइब्रेशन है वो वेव की प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बाय नेचर हमारे पास ट्रांसफर्स होती है अब आ जाए लॉन्गिट्यूनल वेव की तरफ बोलिए लॉन्गिट्यूनल वेव से पहले एक सवाल मेरा और आपसे यहीं पर उसको कवर कर लेते हैं और क्वेश्चन ये है कि विच फिना डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सा फिनोमिना ट्रांसफर वेव को और लॉन्गिट्यूडल वेव को डिफ्रेंशिएट करता है कि वो फिनोमिना जो हमारे पास इनको डिफ्रेंश करता है वो क्या है पोलराइजेशन तो यहां से भी आप आइडिया लगा सकते थे कि जब आपसे आपने ये कहा कि लाइट क्या ट्रांसफ़र्स है तो हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रो मैगनीटिक वेव होती हैं उन तमाम इलेक्ट्रो मैगनीटिक वेव की पोलराइजेशन हो सकती है तो अगर तमाम इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव की पोलराइजेशन पॉसिबल है इसका मतलब वो इलेक्ट्रो मैगनीटिक वेव क्या है वो ट्रांसफ़र्स बाय नेचर है तो जिसकी पोलराइजेशन हो सके वो हमारे पास ट्रांसफर है और जिसकी पोलराइजेशन नहीं होती वो ट्रांसफर्स नहीं है तो वेव के अंदर पोलराइजेशन नहीं होती और पोलराइजेशन किसकी होती है पोलराइजेशन हमारे पास उस वेव की होगी जहां पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करेंगे तभी हम उसको प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं अब आ जाए वेव की तरफ वेव की ये हमारे पास दो पार्ट होते हैं एक वो पार्ट होता है जहां पर प्रेशर के इंक्रीज करने की वजह से पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और जहां पर पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आएंगे दैट पार्ट ऑफ कंप्रेशनल वेव इज कॉल्ड कंप्रेशन दैट पार्ट इज कॉल्ड कंप्रेशन और हमारे पास जहां पर पार्टिकल प्रेशर की डिक्रीज करने से एक दूसरे से अवेयर चले जाते हैं दैट पार्ट इज कॉल्ड रेयर फैक्शन और एक पॉइंट याद रखिएगा एट अ सर्टेन टाइम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात अगर मैं करूं तो किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं कंप्रेशन में उन तमाम का फेस सेम होता है किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं दो डिफरेंट टाइम्स को हम कंपेयर नहीं करेंगे इसी तरह रेयर फैक्शन के अंदर भी जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स होंगे एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वो तमाम भी क्या होंगे वो सेम फेस पे होंगे दो डिफरेंट टाइम पे नहीं सिर्फ पर्टिकुलर टाइम पे यहां पर भी जब हम वेवलेंथ को डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं कि हमारे पास कंप्रेशन और रेयर फैक्शन कंप्रेशन और रेयर फैक्शन इसकी टोटल जो लेंथ है ये हमारे पास क्या कहलाएगी ये वेव कहलाएगी और इवन आप ये भी कह सकते हो कि दो कंजेक्टिव कंप्रेशन या दो कंजेक्टिव रेयर फैक्शन में जो डिस्टेंस होगा वो लेमडा होगा अगर मैं आपसे बड़ा सिंपल सा एक सवाल पूछूं, वट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू आल्टरनेट कॉम्प्रेशन दोन या दो आल्टरनेट रेयर फैक्शन में कितना डिस्टेंस होगा क्या कहेंगे स्टेटमेंट को से सुनना है आल्टरनेट जब कंजेक्टिव पूछा जाएगा तब लेमडा होगा जब आल्टरनेट तो आल्टरनेट का मतलब है एक छोड़कर जब एक छोड़ के बात करेंगे तो टू लेमडा आंसर आएगा तो इन स्टेटमेंट को दोनों को लिखें और फिर सोच के इसका आंसर देखें कि क्या होगा तो डिस्टेंस बिटवीन कंजेक्टिव क्रस्ट कंजेक्टिव ट्रफ कंजेक्टिव कॉम्प्रेशन कंजेक्टिव रेयर फैक्शन लेमडा कंजेक्टिव एंड द डिस्टेंस बिटवीन आल्टरनेट एक छोड़कर दैट इज टू लेमडा चाहे वो दो क्रस्ट के दरमियान हो वो दो ट्रफ के दरम्यान हो वो दो कंप्रेशन के दरम्यान हो या दो रेयर फैक्शन के दरमियान हो इसको अगर मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूं तो उसको यूं समझें कि हमारे पास लेट से मैं ट्रांसफर की एग्जाम्पल लेता हूं मेरे पास ये ट्रांसफर देव है ये हमारा पहला क्रस्ट है और ये तीसरा क्रस्ट है ये है अल्टरनेट एक छोड़कर तो पहले क्रस्ट और तीसरे क्रस्ट के दरमियान जब डिस्टेंस आपका होगा इसे बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन अल्टरनेट तो ये कितना होगा टू लेमडा होगा तो अल्टरनेट का वर्ड आया तो एक छोड़ देना बीच में तो फिर टू लेमडा

क्या हर एक में तीनों टाइप का एग्जिस्ट करेगा नो जब हम लिक्विड या गैसेस की बात करेंगे तो वहां मॉल्डोस ऑफ इलास्टिसिटी सिर्फ बल्क आता है लेकिन जब हम बात करेंगे सॉलिड्स की तो वहां यंग भी होता है बल्क भी होता है वो शेयर भी होता है तो ये ख्याल रखिएगा कि हमारे पास मॉल्डोस ऑफ इलास्टिसिटी मीडियम वाइज यंग नहीं होगा हर एक में ये चीज़ आपने याद रखनी है और जब आप स्पीड ऑफ साउंड का टॉपिक पढ़ते हैं इन एयर तो वहां पर इस मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी को किससे रिप्लेस किया जाता है विद बल्क मोल्डर्स और बल्क मोल्डर्स को हम के से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इस फार्मूला की दो टाइप्स दो फॉर्म्स में यहीं पर आपको बता देता हूं एक फार्मूला की फॉर्म ये है अंडर रूट पी ओवर रो और एक फॉर्म इसकी है अंडर रूट गैमा पी ओवर रो दोनों में डिफरेंस आपको पता है ये फार्मूला हमारे पास न्यूटन्स फार्मूला कहलाता है और ये फार्मूला हमारे पास लेप्लास कुरेक्शन कहलाता है और याद रखिएगा ये फार्मूला हमारे पास अप्लाई कब होते हैं जब हम स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करेंगे इन एयर और टेम्परेचर भी इसमें पर्टिकुलर होता है एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड और दोनों की वैल्यूज आपको पता है कि न्यूटन के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी आती है वो टू एटी आती है लेप्लास के अकॉर्डिंग करेक्ट आती है ट्रिपल थ्री मीटर पर सेकेंड एग्जाम्पल लॉन्गिटूनल वेव की साउंड और साउंड कोई भी हो चाहे हमारे पास साउंड जो है वो अल्ट्रासोनिक है चाहे हमारे पास जो साउंड है वो ऑडिबल है चाहे हमारे पास साउंड इंफ्रासोनिक है ये लॉन्गिट्यूडनल होगा सुपरसोनिक भी क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव है बड़ा एक सिंपल सा सवाल है जहां पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है क्या सुपरसोनिक भी हमारे पास लॉन्गिट्यूडल वेव है जैसे अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक और ऑडिबल की बात मैंने की तो क्या सुपरसोनिक भी यहां लिखा जाएगा बिल्कुल नो क्योंकि सुपरसोनिक साउंड की टाइप नहीं है सुपरसोनिक तो सिंपल उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जो स्पीड ऑफ साउंड से या हायर देन स्पीड ऑफ साउंड मूव करे तो साउंड की तीन ही टाइप्स हैं अल्ट्रासोनिक जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हट से ज्यादा है इंफ्रा जिसकी 20 हट से कम है लेकिन जो ऑडिबल हमारे पास होता है उसकी फ्रीकवेंसी ट्वेंटी हर्ड से ट्वेंटी किलो हर्ट है और ये 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 मैं स्पेसिफिकली बात बता जो मैंने ऑडिबल ऑडिबल वैल्यू वैल्यू लिखी है ये audible value humans के लिए है। हर जानवर की जो ऑडिबल रेंज है वो डिफरेंट है तो आपके बुक के अंदर वो मेंशन है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास किसकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ज्यादा है किसकी कम है तो टेबल में से आपने ये चीज देख लेनी है फिर ये भी उस टेबल में आपने ख्याल रखना है कि कौन सा वो जानवर है जो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक दोनों को सुन सकता है तो अगर आपको ये वैल्यूज पता होंगी तो उस टेबल को आप इजीली रीड कर सकते हैं अदनान आसिफ मैंने वहां बताया था जो वाटर वेव्स होती हैं वो सरफेस के ऊपर होती हैं ओशन के सरफेस के ऊपर जो अप एंड डाउन हमारे पास मोशन है ये हमारे पास अगर पार्टिकल की मोशन है तो ये वाटर वेव्स है और जब हम बात करते हैं विद इन वाटर वेव्स तो विद इन वाटर वेव्स ट्रांसफर वेव्स प्रोपोगेट ही नहीं कर सकती तो इस वजह से कहते हैं कि ट्रांसफर वेव्स जो होती हैं वो डेड हो जाती हैं पानी में जाकर ये मतलब है विद इन वाटर का और क्यों डेड होती हैं वो मैं बात कर चुका हूँ कि हमारे पास लिक्विड्स की इलास्टिसिटी कम होती है वो ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं जाना उनकी इलास्टिसिटी कम होती है इस वजह से वाटर वेव कैन प्रोपोगेट नहीं करती विद इन वाटर सरफेस के ऊपर डिस्टर्बेंस की वजह से हमें मूव करती हुई नज़र आती हैं चले ये तो होगी दो टाइप्स mechanical wave की मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन मीडियम तो मैं अगर पर 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 अब कर दूं कि मैंने ये 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 जो टाइप्स लिखी हैं हैं किस बेसिस ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स है कि पार्टिकल किसी मीडियम में किस तरह से मूव करेंगे अगर परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो ट्रांसफर्स और अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव करेंगे लॉन्गिट्यूडल so, कंप्रेशन या प्रेशर वेव्स कुछ चीजें और भी आप लोगों को यह बात यार यहां पर याद रखनी है कि हमारे पास जो कंप्रेशन होती है उस कंप्रेशन की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि कंप्रेशन में क्या होगा कंप्रेशन में आपका जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा जबकि रे के अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा वॉल्यूम की बात करें तो हमारे पास कंप्रेशन के अंदर जो वॉल्यूम है वो ओवरऑल क्या कर जाएगा डिक्रीज़ लेकिन रेयर फैक्शन में वॉल्यूम क्या कर जाएगा ओवरऑल इंक्रीज़ कई दफ़ा डेंसिटी की बात भी की जाती है तो डेंसिटी के बारे में आप क्या कहेंगे कि डेंसिटी हमारे पास कहाँ ज़्यादा होती है क्या कंप्रेशन में डेंसिटी ज़्यादा होती है या हमारे पास रेयर फ्रैक्शन में डेंसिटी ज़्यादा होती है बिल्कुल कंप्रेशन के अंदर हमारा जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है पार्टिकल क्लोज आ जाते हैं इस वजह से ये कहा जाता है कि नॉर्मल डेंसिटी से जो कंप्रेशन की डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है नॉर्मल डेंसिटी से और जो रेयर फैक्शन होता है उसकी नॉर्मल डेंसिटी से जो डेंसिटी होती है वो क्या कर जाती है वो डिक्रीज कर जाती है तो ये आपने प्रेशर वॉल्यूम और डेंसिटी के हवाले से पॉइंट याद रखना है साउंड के अलावा एक और एग्जांपल हम जो बात करते हैं स्प्रिंग की जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करके या कंप्रेस करके छोड़ देते हैं तो वहाँ पर भी जो हमारी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसको स्प्रिंग वेव्स की बात नाम दे दें यज yes, बेहतर नाम होता है वेव्स इन अ स्प्रिंग और ये यहाँ पर लाजमी है कि स्प्रिंग की जो प्रॉपोगेशन है वो किस तरह से है वो अलॉन्ग है तो फिर वहाँ पर भी लॉन्गिट्यूडल वेव प्रोड्यूस होती हैं तो ये हो गया पहली क्लासिफिकेशन अब चलते हैं इसकी दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ जो दूसरी क्लासिफिकेशन मैकेनिकल वेव की है अब वो किस बेस पर है अब ये ना सोचिएगा कि वो दो टाइप सेपरेट हैं और ये दो टाइप सेपरेट हैं ये उसी तरह से है जैसे आप फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई करते हैं तो एक क्लासिफिकेशन बेस क्वांटिटीज ड्राइव क्वांटिटीज सप्लीमेंट्री है और एक क्लासिफिकेशन हमारे पास जो होती है वो स्केलर वेक्टर इन बेस पर हो रही होती है तो अब ये जो पर्टिकुलर टाइप है मैकेनिकल वेव की ये किस बेस पर है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टर्बेंस इन मीडियम अब मोशन ऑफ पार्टिकल्स की बात नहीं हो रही अब यह दो टाइप्स कौन कौन सी हैं एक हमारे पास होती है पीरियोडिक वेव और एक हमारे पास है प्रोग्रेसिव वेव अब पीओडिक वेव और प्रोग्रेसिव वेव में क्या डिफरेंस होता है पीरियडिक वेव एक ऐसी वेव होती है जहां डिस्टर्बेंस एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट हो क्या अगर हम अपने मीडियम को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डिस्टर्ब करते हैं तो ये पीरियडिक वेव है और प्रोग्रेसिव वेव एक ऐसी वेव है जहां एनर्जी पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस से अवे ट्रेवल करती है तो मैं अगर दोनों के लिए एक स्टेटमेंट यूज करता हूं तो प्रोग्रेसिव वेव के बारे में ये कहूंगा कि डिस्टर्बेंस इन मीडियम रिपीट फ्टर आ फिक्स टाइम इंटरवल अगर हम एक स्ट्रिंग को एक बार डिस्टर्ब करके छोड़ दें तो यह प्रियोडिक वेव नहीं है लेकिन अगर हम उसको बार बार डिस्टर्ब करते जाएंगे जैसे ड्रम की सर्फेस को बार बार हीट करते जाएंगे किसी स्ट्रिक से तो अगर डिस्टर्बेंस रिपीट हो रही है तो वह वेव क्या है वह पर्योडिक वेव है प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है प्रोग्रेसिव वेव एक, एक ऐसी वेव होगी जहां पर इनर्जी ट्रांसफर होगी एनर्जी ट्रांसफर्स away from point of disturbance कि जिस जगह पर disturbance create हुई वहां से अगर energy away transfer हो तो that is progressive wave जैसे अगर हम बात करें water waves की अगर पानी में किसी जगह पर आपने एक ripple produce किया तो वहां पर जो energy होती है वो point of disturbance से away travel करती है ये progressive wave है अगर मैं यहां पर ripple tank के अंदर बार बार नॉब को हिट करता हूं पानी में या किसी स्टिक से पानी को बार बार मैं डिस्टर्ब करता जाऊंगा तो ये कॉन्टिन्यूसली डिस्टर्बेंस की वजह से वेव ट्रांसमिट होती जाएंगी अब मैं क्या कहूंगा कि ये वेव प्रोग्रेसिव भी है और ये वेव प्रियोडिक भी है एक पॉइंट यहां पर याद रखिएगा कि प्रोग्रेसिव और पीडिक लॉन्गिट्यूडल वेव और ट्रांसफर वेव प्रोग्रेसिव भी हो सकती है और प्रियोडिक भी हो सकती है ये ना सोचें कि हमारे पास जो ऊपर हमने वेव की टाइस पड़ी है वो यहां पर आपके पास नहीं आएगी वो यहां पर भी आती हैं। तो क्या लॉन्गिचनल वेव प्रियोर्डिक होती है प्रोग्रेसिव होती है यस। yes. क्या ट्रांसफर वेव प्रियोर्डिक और प्रोग्रेसिव होती है यस yes. तो ये पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि प्रोग्रेसिव और प्रियोडिक ये हमारे पास लॉन्गिट्यूनल भी हो सकती हैं और ट्रांसफर भी हो सकती हैं अब यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि वो कौन सी वेव है जो पीरियडिक है लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं है वो कौन सी वेव है जो पीरियडिक तो होती है लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं होती ऐसी वेव को क्या नाम दिया जाएगा Which वेव इज पीरियोडिक बट नॉट प्रोग्रेसिव वेव सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं सोचें। इसका आंसर हमारे पास जो होगा वो होगा स्टेशनरी वेव्स। मैंने आपसे वेव पूछा था आप मुझे मोशन बता रहे हैं विच वेव इज प्रक बट नॉट प्रोग्रेसिव तो इसका आंसर होगा स्टेशनरी वेव और स्टेशनरी वेव का एक और नाम भी होता है इसको स्टैंडिंग वेव भी नाम दिया जाता है और अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं स्टेशनरी वेव की तो हम क्या कहते हैं कि जो स्टेशनरी वेव होती है ये नॉन प्रोग्रेसिव वेव होती है इसको स्टेशनरी कहने की जो वजह है वो ही यही है कि इसमें हमारे पास प्रोग्रेशन नहीं होती ये प्रोग्रेसिव नहीं होती तो स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव इज नॉन प्रोग्रेसिव वेव लेकिन ये वेव प्रियोडिक बाय नेचर है स्ट्रिंग को अगर आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि स्ट्रिंग में डिस्टर्बेंस है तो ये प्रियोडिक भी है प्रोग्रेसिव भी है और ट्रांसफर वेव है अगर ड्रम को मैं बार बार हिट कर रहा हूँ मैं क्या कहूँगा मैं कहूँगा ये प्रोग्रेसिव भी है ये पेडिक भी है ये लॉन्गी भी है लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रिंग दो पॉइंट से फिक्स है और वहाँ पर स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी तो मैं कहूँगा ये क्या है ये सिर्फ पेडिक है और ट्रांसवर्स है ये प्रोग्रेसिव नहीं है और अगर ये प्रोग्रेसिव नहीं है तो दैट इज़ ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव एयर कॉलम की बात कर लें चाहे दोनों एंड से ओपन है या दोनों एंड से हमारे पास एक एंड से क्लोज है वहां पर जो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती हैं वो क्या होती हैं दे आर लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स या मैं ये कह सकता हूं कि वो बाय नेचर प्रियोडिक भी हैं वो बाय नेचर हमारे पास स्टेशनरी है लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं है एक पॉइंट जो यहां पर पूछा था वो मैं यहां मैंशन कर दूं कि जो लॉन्गिटूडल वेव होती हैं ये हर मीडियम में प्रोपगेट करती हैं ये तमाम मीडियम्स के अंदर प्रोपगेट करेंगे चाहे हमारे पास सॉलिड है चाहे हमारे पास लिक्विड है और चाहे गैस है इन तमाम के अंदर इनकी प्रोपगेशन पॉसिबल होती है तो ट्रांसफर्स की बात करें तो ओनली सॉलिड्स की बात करें, तो हमारे पास ऑल मीडियम्स। तो एक पॉइंट जो ऊपर एक स्टूडेंट ने कहा था वो कह सकते हो कि वो कौन सा कॉमन मीडियम है जिसमें ट्रांसफर्स और लॉन्गिच्यूडनल वेव दोनों ट्रांसमिट करती हैं कॉमन मीडियम तो क्या इसका आंसर देंगे कि ट्रांसफर वेव और लॉन्गिचूडनल वेव इनके लिए कॉमन मीडियम प्रॉबोगेशन का वो होगा सॉलिड ना लिक्विड ना गैस जो ट्रांसफर पीरियोडिक वेव वाला पॉइंट है वो मैंने आपको ये कहा कि अगर हमारे पास जो स्टेशनी वेव्स हैं ये पॉइंट वैसे आगे आना भी है जब स्टेशनी वेव्स को हमने पढ़ना है क्योंकि मैं यहां आपको बता देता हूं अगर स्टेशनी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं स्ट्रिंग के अंदर कि स्ट्रिंग को दो एंड से फिक्स किया हुआ है और आप वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और वहां पर स्टेशनी वेव प्रोड्यूस होते हैं चाहे जो मर्जी हारमोनिक हो ऐसी स्टेशनी वेव को क्या कहा जाएगा ऐसी स्टेशनी वेव को कहा जाएगा कि ये ट्रांस वर्ड्स स्टेशनरी वेव है अब अगर बात करें कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है कौन सी नहीं है तो हम ये कहेंगे कि यह प्रियोडिक तो हो सकती है लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं होगी क्योंकि प्रोग्रेसिव नहीं है तभी इसके नाम के साथ क्या आ रहा है वो स्टेशनरी वेव आ रहा है और दूसरी चीज जो यहां पर हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है एयर कॉलम की चाहे एयर कॉलम हमारे पास एक एंड से ओपन है या दोनों एंड से ओपन है दोनों केसेस के अंदर अगर हम बात करते हैं कि ये वेव कौन सी है तब आप इसके बारे में ये कहेंगे कि ये लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव है और लॉन्गिट्यूडल स्टेशनरी वेव का मतलब दोबारा फिर यही होगा कि ये पारोडिक तो हो सकती है लेकिन ये प्रोग्रेसिव नहीं होगी तो इन दो एग्जाम्पल से अब आप जो वेव की टाइप्स पढ़ी है मैकेनिकल की उनको देखें क्या है जो वेव की टाइप्स को अगर आप पढ़ते हैं तो आप क्या कहेंगे कि हमारे पास एट अ टाइम ट्रांसफर्स पीरियोडिक नेचर दोनों एग्जिस्ट करती हैं स्टेशनरी वेव में लॉन्गिट्यूडनल और पीरियोडिक दोनों एग्जिस्ट करती हैं स्टेशनरी वेव के अंदर तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है ओवरऑल जो वेव है उनकी प्रॉपर्टीज उनकी टाइप्स के बारे में और फिर वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से वो मीडियम में ट्रांसमिट करते हैं उनके करेक्ट्रिस्टिक्स जो हमने बात यहाँ पर की उनकी उनको भी हमने यहाँ डिस्कस किया अब कुछ पॉइंट्स और जो एम सी क्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एक जनरल फार्मूला जो हम प्रोग्रेसिव वेव के अंदर यूज कर रहे होते हैं वो फार्मूला हमारा होता है वी इज इक्वल टू एफ लेमडा इस फार्मूला से रिलेटेड भी कई दफ़ा हमारे क्वेश्चंस आते हैं मतलब हमें यह कहा जाता है कि टेन वेव्स पास कर रही हैं किसी पॉइंट से इन ट्वेंटी सेकेंड्स और जो वेव की स्पीड है वो टेन सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो कैलकुलेट करें वेव लेंथ क्या होगी तो ये फार्मूला जो है इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं कई दफ़ा अगर आप पास को देखें तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आया हुआ है विजिक्वे ऑफ लेमडा से रिलेटेड कई दफ़ा इसी फार्मूला को घुमा फिरा के पूछा जाता है जैसे मैं अगर इस फार्मूला की फॉर्म्स को लिखता हूं तो क्या क्या फॉर्म्स बन सकती हैं अगर मैं नंबर ऑफ वेव्स की फॉर्म में बात करूंगा तो एन ओवर टी लिख दूंगा फ्रीक्वेंसी को यह फार्मूला भी करेक्ट है अगर मैं फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल लिखूं टाइम पीरियड तो वी इज इक्वल टाइम पीरियड यह भी करेक्ट है तो ये दोनों फार्मूलाज आपके पास यहीं से ड्राइव होते हैं और इसी फार्मूला को चेंज करके यूं लिख दिया जाता है कि लेमडा इज इक्वल टू वी इन टू टी तो जो भी डाटा होगा आपको उस डेटा को समझना है और फिर ये देखना है कि ये जो प्रोग्रेसिव वेव का फार्मूला है v F lambda, इसको किस तरह से हम ब्रेक करके यूज कर सकते हैं अब मैं दो चीजों की बात करूंगा इस फार्मूला से रिलेटेड कि जब हमारे पास मीडियम चेंज होता है और जब सेम मीडियम रहता है तो कौन से फिजिकल क्वांटिटीज इनमें से हैं जो कांस्टेंट रहती हैं और कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो चेंज हो जाती हैं तो चेंज इन मीडियम एंड विद इन सेम मीडियम चेंज इन मीडियम का मतलब यह है कि लेट से साउंड हमारा ट्रांसमिट होता है एयर टू वाटर या लाइट ट्रांसमिट हमारे पास होती है एयर टू ग्लास तो जब मीडियम चेंज होगा तो कौन सी वो फिजिकल क्वांटिटी है जो सेम रहती है हमारा आंसर क्या होगा फ्रीक्वेंसी होगी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड इसका ताल्लुक सोर्स से होता है जिस मीडियम के अंदर ये प्रोपोगेट कर रही होती हैं उससे नहीं होता और जब विद इन सेम मीडियम की बात करेंगे तो सेम मीडियम में जो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है दैट इज स्पीड स्पीड सेम रहेगी साउंड की स्पीड सॉलिड में एक सॉलिड अगर नेचर है लेट्स ए स्टील कॉन्स्टेंट है लेकिन अगर हम बात करेंगे विद इन डिफरेंट मीडियम्स तो स्पीड क्या हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी तो मीडियम चेंज होगा या डिफरेंट मीडियम्स की बात करेंगे तो फ्रिक्वेंसी सेम होगी एक ही वेव की और सेम मीडियम के अंदर बा, बात करें तो सेम मीडियम के अंदर स्पीड यानी वेलोसिटी वो सेम होती है तो क्या चीजें फिर रह गई जो चेंज होती हैं अगर हमारा फ्रिक्वेंसी का फैक्टर सेम है इसका मतलब ये हुआ कि फिर स्पीड और वेवलेंथ ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं यानी अगर किसी मीडियम के अंदर आपकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है तो अब ये कहेंगे कि वहां वेवलेंथ इंक्रीज कर जाती है और अगर किसी मीडियम के अंदर स्पीड डिक्रीज कर जाती है तो वहां पर आपकी वेवलेंथ भी क्या होगी डिक्रीज लेकिन दोनों केसेस के अंदर हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या रहेगी वो सेम रहेगी अब यहां पर एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज करता है एग्जामिनर यूं कंफ्यूज करता है वो कहता है कि हमारे पास एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी लेट से थ्री ट्वेल्व हर्ड है वो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम ए टू वाटर वो कहेगा वाटर का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है थ्री है तो बताएं वाटर में जाकर हमारे पास उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी तो आंसर क्या होगा अगर मीडियम चेंज हो रहा है वो मीडियम जितना मर्जी डेंसर जितना मर्जी रेयर हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम रहती है लेकिन जो सेम मीडियम है उस सेम मीडियम में याद रखिएगा कि जो फैक्टर्स हमारे पास आपस में वेरी करेंगे वो कौन कौन सा फैक्टर होगा वो फैक्टर होगा वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का ये वो फैक्टर्स होंगे जो सेम मीडियम के अंदर चेंज हो रहे होंगे यानी अगर मैं बात करता हूं श्रिल एंड ग्रेव साउंड की अगर हम बात करते हैं फीमेल की तो फीमेल की आवाज़ श्रिल होती है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है जो मेल है उनकी आवाज ग्रेव है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है लेकिन दोनों अगर एक रूम में बात कर रहे हैं तो दोनों की जो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू होगी वो क्या होगी वो सेम लेकिन स्पीड ऑफ साउंड तो सेम है तो डिफरेंट क्या है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर सेम मीडियम में हमारे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो वेवलेंथ क्या कर जाएगी डिक्रीज और अगर उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो वेवलेंथ क्या कर जाएगी इंक्रीज और अब जो फैक्टर हमारा कांस्टेंट या सेम होगा दोनों में वो क्या होगा उस मीडियम के अंदर उस वेव की स्पीड होगी तो ये बात याद रखनी है अब इसमें एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज करता है एग्जामिनर आपको यूं कंफ्यूज करेगा कि पहले हमारे पास जो वेवलेंथ है वो टेन सेंटीमीटर है और फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसीड हर्ड उसी मीडियम में रहते हुए वो आपको कहेगा कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी टू हंड्रेड हर्ड से फोर हंड्रेड हर्ड हो गई है तो अब स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा तो अगर उसने मैंशन कर दिया कि सेम मीडियम है तो आप क्या कहेंगे जो स्पीड पहले वीज इक्वल टू एफ लेमडा से कैलकुलेट होके आएगी स्पीड वही है कि पहले अगर मैंने आपको वैल्यूज बताई थी टेन सेंटीमीटर मीन्स पॉइंट वन और टू हंड्रेड तो टू हंड्रेड इन टू पॉइंट वन ट्वेंटी आएगा तो पहले भी स्पीड ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड और बाद में भी स्पीड क्या होगी वो ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड ही होगी तो ये चीज याद रखिएगा अब जो पहला पॉइंट है चेंज इन मीडियम इस मैं दो पर्टिकुलर वेव्स की अगर बात करता हूं लाइट की और साउंड की तो दोनों के अंदर जो बिहेवियर हमारे पास होगा वो डिफरेंट होगा अगर हम बात करते हैं लाइट की तो याद रखिएगा कि अगर डेंसर मीडियम में लाइट ट्रांसफर हो और डेंसर मीडियम में साउंड ट्रांसफर हो तो दोनों की स्पीड और वेवलेंथ का बिहेवियर चेंज होने का एक जैसा नहीं होता इसी तरह से अगर लाइट और साउंड दोनों ट्रांसफर किसी रेड मीडियम में हो तब भी इनके चेंज होने का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता अब क्या होता है अब हम क्या कहेंगे हम कहेंगे लाइट जब डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड और उसकी वेवलेंथ ये दोनों डिक्रीज कर जाते हैं लेकिन साउंड जब किसी डेंसर मीडियम में जाता है तो आपको पता है कि साउंड की स्पीड डेंसर में ज़्यादा होती है तो उसकी स्पीड और उसकी वेवलेंथ वो दोनों क्या कर जाते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं तो ये पॉइंट याद रखना है कि लाइट के केस में डेंसर में स्पीड वेवलेंथ डिक्रीज हो रही होती है लेकिन साउंड के केस में इंक्रीज हो रही होती है और ये बात जानते हैं क्यों इलास्टिसिटी साउंड की स्पीड वहां पर ज्यादा होगी जिस मीडियम की इलास्टिसिटी ज्यादा है सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है इस वजह से स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होती है सॉलिड्स के अंदर अब रेयर की अगर बात हम करते हैं तो रेयर में बिहेवियर क्या होता है इसके रिवर्स अगर लाइट वापस वाटर से एयर में आए तो स्पीड बढ़ जाती है और एयर से वैक्यूम में जाए मजीद बढ़ जाएगी तो क्या कहेंगे स्पीड और वेवलेंथ रेयर मीडियम में जाकर क्या हो जाती है इंक्रीज लेकिन साउंड जब रेयर मीडियम में जाता है तो रेयर मीडियम में जाकर उसकी स्पीड और उसकी वेवलेंथ वो दोनों डेंसर के मुकाबले में क्या हो जाती है वो डिक्रीज हो जाती है तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है यह बात तो समझ आ गई कि, कि फ्रीक्वेंसी सेम होती है साथ अगर वो ये भी पूछता है कि डेंसर में जाकर क्या स्पीड और वेवलेंथ बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं या रेयर में जाकर क्या स्पीड और वेवलेंथ बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं तो आपको साथ देखना पड़ेगा कि क्या वो बात लाइट की कर रहा है या फिर वो बात साउंड की कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो आपके आंसर होंगे वो क्या हो जाएंगे वो चेंज हो जाएंगे तो आपकी बुक के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि जहां पर कहीं पर आपके पास ब्लास्ट होता है हमें पहले जो अर्थ में ट्रेमर्स हैं थरथराहट वो पहले फील होती है आवाज़ बाद में सुनाई देती है उसकी रीज़न क्या होती है उसकी रीज़न हमारे पास ये है कि जो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट अब हुई है अब दोनों जगह पर हुई है अब वो डिस्टर्बेंस एट अ टाइम सॉलिड में भी क्रिएट हुई है और वो डिस्टर्बेंस एट अ टाइम एयर में भी क्रिएट हुई है लेकिन एयर में साउंड की स्पीड कम है तो आवाज़ बाद में सुनाई देगी जमीन सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है इस वजह से पहले ट्रेमर्स फील होंगे हमें साउंड में और फिर जाकर हमें आवाज सुनाई देती है आपने बचपन में वो एग्जाम्पल देखी होगी वो जो खिलौना बनाया जाता है कि दो कप्स को जब एक स्ट्रिंग की मदद से जोड़ दिया जाता है और स्ट्रिंग को इन स्टेट ऑफ टेंशन रखा जाए तो अगर कोई यहां पर बोलता है तो आप यहां पर सुन सकते हैं अब यहां पर जो साउंड है वो पर्टिकुलरली सॉलिड में क्रिएट किया गया तो अब वो सॉलिड में ट्रांसफर हो रहा है अब वो एयर में आपने प्रोड्यूस नहीं किया कि एयर में ट्रांसफर हो क्योंकि आपको इसको बिल्कुल माउथ के पास लाके बोलते हो और उसको कान के साथ अटैच करके सुनते हो तो ये सारे पॉइंट्स जो अभी तक हमने पढ़े हैं यह सारे हैं इनमें क्वेश्चन जो आपके पास आते हैं वो थोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो आप प्रॉपरली इन टॉपिक्स को बुक से पढ़िएगा ताकि किसी भी तरह का थ्रेटिकल क्वेश्चन आए जो आपके बुक में हो मैं पर्टिकुलर बात करूंगा आप उनका आंसर दे सकें कौन इसका आंसर देगा ये पहले भी स्टूडेंट सवाल पूछ चुके हैं कि हमारे पास किसकी जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है क्या डीप वाटर ज्यादा डेंसर होता है या शेलो वाटर ज्यादा डेंसर होता है ये पॉइंट पहले कर लें उसके बाद मैं नेक्स्ट की तरफ जाऊंगा क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि जो वाटर वेव्स हैं अगर वो वाटर वेव्स ट्रेवल करती हैं फ्रॉम डीप टू शेलो वाटर तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है क्या हमारे पास वेलोसिटी यानी स्पीड और वेवलेंथ बढ़ती है या कम होती है तो इसका आंसर हमारे पास ये होगा कि शेलो वाटर जो होता है उस शेलो वाटर में जाकर जो वाटर है उसकी स्पीड कम हो जाती है और वेवलेंथ भी कम हो जाती है और जो डीप वाटर हमारे पास होता है वहां पर स्पीड भी ज्यादा होती है और वेवलेंथ भी ज्यादा होती है तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जब डीप से शेलो वाटर की तरफ वाटर वेव ट्रांसफर होंगी तो हमारे पास ओवरऑल जो वाटर वेव्स होती हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं उलामा युदिन में इसका ऊपर आंसर दे चुका हूं कि अगर तो रिपल्स की वजह से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सरफेस में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो वो ट्रांसफर्ट्स हैं लेकिन अगर साउंड भी क्रिएट होता है जो प्रैक्टिकली होता है तो वहाँ पर हमारे पास दोनों तरह की वेव्स होंगी लॉन्गिट्यूडल भी, भी होंगी ट्रांसफर भी होंगी ये सवाल यूं पूछा जाता है कि हमारे पास जब बोट मूव करती है ख़ास तौर पे वो बोट जो मोटर बोट होती है तो वहां पर कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है तो मोटर बोट जब हमारे पास प्रोपोगेट कर रही होती है वाटर के अंदर तो वहां पर उस बोर्ड की वजह से पानी के अंदर दोनों तरह की वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं। वहां पर साउंड भी क्रिएट हो रहा होता है तो लॉन्गिट्यूनल वेव भी हैं और उसके अलावा ओशन में डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हो रहा है तो वो ट्रांसफर वेव्स भी हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन वेव मोहम्मद स्टार्ट में बताया था कि मैस ट्रांसफर नहीं होता माम सरफराज वाटर वेव्स जो हमारे पास हैं वो एज आ ट्रांसफ़र ली जाती हैं अगर ये कहा जाएगा कि वाटर वेव्स के अंदर वाटर के अंदर साउंड ट्रांसफ़र करे तब आपका आंसर ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा तो वाटर वेव के बारे में अगर क्वेश्चन है तो वाटर वेव को आप बाय ट्रांसफर लेकर उसका आंसर दोगे अली मोतीशिब मैंने ये कहा है कि जब हमारे पास मोटर बोर्ड मूव करती है ना तो मोटर बोर्ड के मूव करने की वजह से वहां पर साउंड भी क्रिएट होता है और इसके अलावा सरफेस में डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होती है तो सरफेस के ऊपर जो वेव ट्रांसफर हो रही है वो ट्रांसफर वेव्स हैं लेकिन जो उस वजह से साउंड होगा वो भी वाटर में ट्रांसफर करेगा तो वो क्या होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा इसलिए आंसर क्या होगा बोथ ट्रांसफर्स भी होगा और लॉन्गिट्यूडनल भी होगा नाना में जो डिम होता है ना डिम का वर्ड नहीं होगा इंटेंसिटी होगा इंटेंसिटी हमारे पास जो होती है वो कम हो जाती है और इंटेंसिटी का ऐसा हमारे पास के साथ होता है लेकिन उसका तालुक आपकी स्पीड के साथ नहीं बनता अली मुतिम वाटर में दोनों वेव्स नहीं जो वाटर वेव्स हैं वो दोनों तरह से बिहेव करेंगी आप वाटर में दोनों वेव्स का वर्ड यूज करोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि वाटर के अंदर जो प्रोपागेट करती हैं वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडल वेव्स करती हैं लेकिन जब ये सवाल मोटर मोटरबोट से रिलेटेड आता है तो वहां पर सरफेस की डिस्टर्बेंस वाटर वेव्स है और वाटर के अंदर वो लॉन्गी वेव्स है इस वजह से बोथ का आंसर टिक किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स हमारे पास क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव की अगर हम बात करें तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर हमारे पास दो वेव्स हैं एक वेव का एम्पलीट्यूड एक्स वन है और एक वेव का एम्पलीट्यूड एक्स टू है एक वेव का एम्पलीट्यूड एक्स वन और जो दूसरी वेव हमारे पास है उस वेव का टू है। तो अगर ये दोनों वेव्स, मोहम्मद यार मैं फेज रिलेशनशिप बताऊंगा आगे जाकर जहां उसकी जरूरत होगी फिलहाल जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस रखें फेज रिलेशनशिप सच में नहीं है इसकी जरूरत हमें पड़ेगी फिजिकल ऑप्टिक्स में तो वहां मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा फेज डिफरेंस की पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस अगर ये दोनों वेव्स आपस में सुपर पोज करें तो सुपर पोज करने से हमारे पास एक रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होती है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन वेव की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जब दो वेव्स आपस में सुपर पोज हो कंबाइन हो तो जो रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होती है उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड दोनों वेव के एम्पलीट्यूड के वेक्टर सम के इक्वल आएगा यानी अगर मैं कहता हूं कि जो रिजल्टेंट वेव है उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड एक्स है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है दैट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स और आप जानते हैं कि सम की जब बात की जाती है तो हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन होती है वो भी एडिशन की तरह है एडिंग वेक्टर टू द नेगेटिव वेक्टर इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर पॉजिटिव का साइन भी आ सकता है और negative का sign भी आ सकता है। अब इस positive और negative को बड़ा तरह से समझें कि अगर हमारे पास हैं, दोनों दोनों या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो क्या होता है फाइव प्लस टू हमारा रिजल्ट सेवन आता है लेकिन फाइव माइनस टू हमारा रिजल्ट थ्री आता है माइनस फाइव माइनस टू हमारा आंसर क्या आता है माइनस सेवन आता है और इसी तरह से माइनस टू प्लस फाइव हमारा टू हो तो हमारा आंसर नेगेटिव थ्री आता है इसका मतलब ये हुआ कि नंबर्स के साथ जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है सेम गोज फॉर सुपर पोजिशन ऑफ वेव अगर तो सिमिलर टाइप्स ऑफ वेव्स मिलेंगी क्रस्ट क्रस्ट से ट्रफ ट्रफ से तो एम्प्लीटूड बढ़ेगा यानी यहां पर जो साइन आएगा वो किसका आएगा आएगा एडिशन का चाहे क्रस क्रस से मिले चाहे ट्रफ ट्रफ से मिले हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ता है लेकिन जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव मिलती हैं क्रस ट्रफ से मिलता है या ट्रफ क्रस से मिलता है तो एक पॉजिटिव है मीन लाइन के अब एक नेगेटिव है मीन लाइन के बिलो तब एम्पलीटूड बढ़ता नहीं है बल्कि एम्प्लीट्यूड कम होता है तो तब साइन क्या आएगा नेगेटिव अब मैंने जो आपके सामने एग्जांपल दी उस एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं कि क्रस्ट क्रस से कंबाइन हो रहा है और जब क्रस क्रस से कंबाइन हो रहा है तो ओवरऑल हमारे पास एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब यहां पर जो एग्जांपल है उसके अकॉर्डिंग x x1 x2 के इक्वल है तो ये वो एग्जांपल है जहां नंबर दोनों पॉजिटिव हैं या नंबर दोनों नेगेटिव है लेकिन अगर मैं आपको एग्जाम्पल यह देता कि हमारे पास एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ से कंबाइन हो तब क्या होगा तब हमारे पास उनका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा नहीं तब हमारे पास एम्पलीट्यूड कम होगा या कम होकर जीरो हो जाएगा और कम हो जीरो कब होता है अगर x1 x2 के इक्वल हो या मैं सपोज कर लेता हूं कि x1 x2 से ग्रेटर है तो ऑटोमेटिकली जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों के डिफरेंस के इक्वल आएगा तो अब आप इस x के बारे में क्या कहोगे आप कहोगे कि x इज इक्वल टू x1 वन माइनस एक्स तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन वेव की स्टेटमेंट का मतलब है कि वेन टू वेव ऑफ एम्पलीट्यूड एक्स वन एंड एक्स टू सुपर और कंबाइन विद ईच अदर रिजल्टन वेव विल है इक्वल टू द वैक्टर सम ऑफ द टू वेवस एम्पलीटूड ऑफ टू वे एंड दैट कैन बी एक्स प्लस एक्स टू एंड दैट कैन बी एक्स वन माइनस एक्स टू इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज है क्या माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू भी हो सकता है माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू भी हो सकता है और इवन माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू भी हो सकता है तो ओवरऑल इसको सिंप्लीफाई करें तो आप कह लोगे क्रस्ट के लिए पॉजिटिव का साइन और ट्रफ के लिए नेगेटिव का साइन तो जिस तरह की मर्जी सुपर पोजिशन वेव हो आप इन साइंस को सब्स्टिट्यूट करें आपको रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड पता चल जाता है अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव इसको पढ़ने का मकसद बेसिकली इसके रिजल्ट्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव के तीन रिजल्ट्स होते हैं और वो किस बेस पर हैं वो है वेव की फ्रीक्वेंसी की बेस पर उनकी डायरेक्शन की बेस पर वन इज इंटरफेरेंस जो हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ते हैं सेकेंड इज बीट्स जो हमारे सिलेबस का ऐसा हिस्सा नहीं है और थर्ड हमारे पास है स्टेशनरी वेव्स ये तीन है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन वेव के रिजल्ट्स अब कब क्या होता है अगर हमारे पास सिमिलर वेव्स हो सिमिलर वेव्स विद रिस्पेक्ट टू तो फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो ऐसी वेव के सुपरपोज करने की वजह से जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा वो इंटरफेरेंस होगा लेकिन अगर हमारे पास जो वेव सुपरपोज कर रही हैं उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो और हमारी बुक में पर्टिकुलर वो लिखता है स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज क्योंकि वो बात कर रहा होता है ह्यूमन ईयर की और ह्यूमन ईयर के लिए वो कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है ये टेन हर्ट्स तक होना चाहिए इससे ऊपर ह्यूमन ईयर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को बीट्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो सेम हो तो अगर ये वेव सुपरपोज करेंगी तो जो फिनोमिना प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा बीट्स होगा और तीसरा रिजल्ट क्या है स्टेशनरी वेव का कि अगर हमारे पास जो वेव है वो सिमिलर वेव्स है अब यहां पर आकर डिफरेंस आता है कि इंटरफेरेंस भी सिमिलर यहां भी सिमिलर तो डिफरेंस क्या है ये बताएगा कि स्टेशनरी वेव के अंदर और हमारे पास इंटर वेव में सिमिलर वेव्स में डिफरेंस क्या है क्या एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा एड हो जाती है डायरेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा मैं एक फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा डायरेक्शन के अलावा सोचें मैं आपको हिंट दे देता हूं अगर दो वेव्स का एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो तो क्या स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होंगी स्टेशनरी वेव के अंदर जिस सिर्फ फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का सेम होना जरूरी नहीं है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के अलावा एम्पलीट्यूड का सेम होना भी जरूरी है अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो इंटरफेरेंस हो सकती है लेकिन अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो तो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस नहीं होती बाकी पॉइंट क्या है बाकी पॉइंट वही है कि हमारे पास डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो ऑपोजिट होनी चाहिए लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए एक चीज जरूरी है ऑपोजिट डायरेक्शन इन सेम लाइन ऐसा नहीं है कि लाइन डिफरेंट हो तो तब भी स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होंगी इंटरफेरेंस डिफरेंट लाइन में प्रोड्यूस हो जाती हैं लेकिन स्टेशनरी वेव के लिए डायरेक्शन ऑपोजिट होगी लाइन सेम होगी तभी वो आपस में जैसे हेड ऑन क्लीजन होता है वो आपस में सुपर पोज करेंगी और तब जो रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होती है वो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है एक मेरा पॉइंट और है क्या हर फ्रीक्वेंसी पे स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो जाती है या स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज पे स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि स्टेशनरी वेव हर फ्रीक्वेंसी पे प्रोड्यूस नहीं होती और जिन फ्रिकवेंसीज पे स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती हैं ये कल हमने बात करनी भी है उन फ्रीक्वेंसीज को हारमोनिक्स कहा जाता है फर्स्ट हारमोनिक सेकेंड हारमोनिक थर्ड हारमोनिक और हारमोनिक्स जो होते हैं ये स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं अगर हमारी फ्रीक्वेंसी इनके अलावा हो तो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस नहीं होती तो ये चीज़ है कि हमारे पास जब वेव सुपरपोज करती हैं तो तीन तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं इंटरफेरेंस बीट्स या स्टेशनरी वेव कब इंटरफेरेंस होगी जब सिमिलर होंगी सेम डायरेक्शन होगी कब बीट्स होंगी जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी डायरेक्शन सेम होगी और जब स्टेशनरी वेव की बात करेंगे तो कहेंगे कि वेव हर तरह से सिमिलर हो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एम्पलीट्यूड डायरेक्शन ऑपोजिट हो और लाइन सेम हो और हर फ्रीक्वेंसी पर नहीं सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पर तभी स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती हैं आज का लास्ट पॉइंट दो फार्मूलाज मैं आपको बता दूं कई दफा आप लोग क्वेश्चंस करते हैं अच्छा वाइट लाइन सेम लाइन का मतलब क्या है सेम लाइन का मतलब यह है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है को हमने सेंटर से प्लग किया डिस्टर्ब किया स्ट्रिंग दोनों एंड से फिक्स है तो क्या होगा जो डिस्टर्बेंस होगी वो डिस्टर्बेंस ट्रेवल हमारे पास टुवर्ड्स लेफ्ट भी करेगी डिस्टर्बेंस टुवर्ड्स राइट भी करेगी और दोनों तरफ से वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी जब दोनों तरफ से वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो अब देखें कि जो ग्रीन कलर से मैंने एरो शो किए ये क्या मूव कर रहे हैं उसी लाइन में लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में तो इनके आपस में सुपरपोज करने की वजह से उस स्ट्रिंग के अंदर नोड्स और एंटी नोड्स की फॉर्म में जो वेव प्रोड्यूस होती हैं दे आर स्टेशनरी वेव्स और जब तक ये लाइन सेम नहीं होगी उनमें सुपर पोजिशन कैसे होगी ये सोचें तो लाइन का सेम होना जरूरी है जैसे एयर कॉलम के अंदर अगर बात करें तो एयर कॉलम में भी अगर दो ट्यूनिंग फॉर्क को रखा जाए एक ट्यूनिंग फॉर्क को लेफ्ट साइड के ऊपर और एक ट्यूनिंग फॉर्क को राइट right साइड के ऊपर और दोनों से जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं उनकी अगर प्रॉपर्टी देखें तो क्या है उनकी प्रॉपर्टी ये है कि उनकी लाइन सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट और इनके सुपरपोज करने की वजह से अगर फ्रीक्वेंसी सेम है और वो पर्टिकुलर हार्मोनिक है तो तब यहां पर स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है अदरवाइज ये स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस नहीं होंगी अगर ये एक ट्यूनिंग फार 256 फिफ्टी हर्ट्स का हो और एक ट्यूनिंग फार 512 वन हर्ट्स का हो तो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस नहीं होंगी चलिए अब मैं लास्ट जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ वो एक फार्मूला है जिससे रिलेटेड कई दफ़ा आप कई बुक्स के अंदर क्वेश्चंस को करते हैं इंटेंसिटी के हवाले से चाहे लाइट हमारे पास है या साउंड है हम जब इंटेंसिटी को एम्पलीट्यूड से कंपेयर करते हैं तो याद रखिएगा इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ रिलेशन होता है अगर वेव सुपरपोज करती है और हम कहते हैं कि हमारा जो एम्पलीच्यूड है वो डबल हो गया तो वेव के सुपरपोज करने की वजह से अगर आपका एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो आपकी इंटेंसिटी फोर टाइम्स इंक्रीज कर जाती है और यहीं से अगर आप लोग इसके रिवर्स लिखना चाहें तो आप कहेंगे हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होता है उसका ताल्लुक इंटेंसिटी के अंडर रूट के साथ होता है अब कई दफा हमसे एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी के और मिनिमम इंटेंसिटी के क्वेश्चन पूछता है। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी को और मिनिमम इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करना है इसका फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस अंडर रूट ऑफ आई टू अगर दो हमारे पास वेव्स हैं एक की इंटेंसिटी आई वन है और एक आई टू है तो आप क्या करेंगे यहां पर वैल्यू पुट करेंगे होल आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी अब ये जो I1 है अंडर अंडर रूट रूट और I2 root, क्या मैं इसकी जगह ये नहीं कह सकता कि ये बेसिकली ए वन और ए टू होल स्केयर है तो आपके पास अगर दो एम्पलीट्यूड हो आप उनका सम लेके स्केयर लेंगे आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी कैलकुलेट हो जाती है और जब मिनिमम इंटेंसिटी की बात हम कर रहे होते हैं तो फार्मूला हमारे पास होता है आई वन माइनस आई टू लेकिन दोनों पे अंडर रूट होल उलस्केर और इसको हम लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल है ये ए वन माइनस ए टू होल स्केयर के इक्वल है तो ये आपको कई जगहों पर हेल्प करता है ये फॉर्मूलाज तो आपको अगर ये इन फार्मूलाज का पता है तो आप इजीली मैक्सिमम इंटेंसिटी को और मिनिमम इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं और अगर आप इसको शॉर्टकट की फॉर्म में याद रखना चाहते हैं केस ऑफ इंटेंसिटी तो जब हमने इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना होता है नेट अगर मैं इसको इंटेंसिटी का नाम दूं तो आप इसको यू याद रख सकते हैं कि आई वन प्लस आई टू प्लस टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ आई वन आई टू कॉज ऑफ थीटा अब इस फार्मूला का फायदा क्या है? फार्मूला का फायदा यह है कि अगर हमारे पास सेम फेज होगा तो एंगल क्या होगा जीरो अगर सेम फेज होगा तो एंगल क्या होगा जीरो होगा तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास एंगल जीरो के ऊपर आपका ये वाला फार्मूला बन जाएगा और अगर हमारे पास जो एंगल होगा वो क्या होगा वो 180 डिग्री होगा तो इसका मतलब क्या होगा या उटो फेज होगा तब आपका ये वाला फार्मूला डेवलप हो जाएगा तो जब हम इन फेज की बात करते हैं दो वेव्स की तब ये फार्मूला यूज हो रहा होता है थीटा वहां जीरो पुट करेंगे और जब आउट ऑफ फेस की बात करेंगे तो फिर नेगेटिव साइन आ जाता है और यहां भी आप देखेंगे सॉल्व करके या नेगेटिव साइन आ जाएगा तो ये दूसरा वाला फार्मूला डेवलप हो जाता है तो ये फार्मूलाज आप लोगों ने याद रखने हैं कि कभी भी अगर आपसे इंटेंसिटी से रिलेटेड सवाल आता है आप देखेंगे डिफरेंट प्रैक्टिस बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो ये फार्मूलाज आपको वहां पर हेल्प करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैफ़ ने पूछा है कि इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन होता है याद रखिएगा जो इंटेंसिटी होती है ये लॉ को वे करती है। और इन्वर्स के लॉ का आपको मतलब पता है जब किसी क्वांटिटी का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ रिलेशन हो और इन्वर्स हो तो ये इसका डिस्टेंस के साथ रिलेशन है यानी अगर आप लाइट सोर्स को डबल डिस्टेंस पे ले जाते हो तो आपकी इंटेंसिटी वन फोर्थ हो जाती है बिल्कुल अली ये फार्मूला लाइट के लिए भी एप्लीकेबल होता है ओवरऑल वेव के लिए है, लाइट हो साउंड हो आप दोनों के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं जो इंटेंसिटी होती है वो क्या है इंटेंसिटी आपके पास ओवरऑल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है वो किसी भी चीज की हो सकती है साउंड की या लाइट की हो सकती है और जो एम्पलीट्यूड है उसका ताल्लुक वाइब्रेशन के साथ है कि मीडियम में जब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है तो पार्टिकल किस एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं मतलब उनका मीन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम कितना होता है दोनों चीज़ें डिफरेंट है दो डिफरेंट फिजिकल क्वालिटीज़ है इंटेंसिटी का यूनिट आप लोग देखेंगे तो हमारे पास वो वार्ड पर मीटर स्केयर में आता है और एम्पलीट्यूड जो आपके पास होता है वो डिस्टेंस के फॉर्म में आ रहा होता है मीटर सेंटीमीटर में मेजर हो रहा है

वॉट पर मीटर स्केयर में मेजर करते हैं 1.4 पॉइंट किलो पर मीटर स्केयर चलें ये फार्मूलाज थे जो मैं बताना चाह रहा था आपको इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड से रिलेटेड कई दफ़ा क्वेश्चन आप आप लोग ही पूछ लेते हैं और इसके अलावा आप डिफरेंट बुक्स में भी देखेंगे तो ये फार्मूला आपको हेल्प करेगा उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में स्पीड ऑफ साउंड की मैं बात अब पर्टिकुलरली करूँगा स्पीड ऑफ साउंड अब हम जानते हैं कि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडल वेव है और साउंड अगर लॉन्गी वेव है तो इसके लिए जो फार्मूला हमारे पास यूज होगा वो क्या होगा वो अंडर रूट ई बाय रो होगा इसमें जो ई e हमारे पास है ये मॉडलस ऑफ इलास्टिसिटी है जिस मीडियम में वो साउंड प्रोपगेट कर रहा है और रो जो है ये उस मीडियम की डेंसिटी है अब स्पीड ऑफ साउंड जो है उसकी डिपेंडेंस की जब बात की जाती है कि स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास सॉलिड्स में लिक्विड्स में गैसेस के अंदर वो किस पे डिपेंड करेगा तो याद रखिएगा कि हमारे पास सॉलिड लिक्विड और गैसेस में जब स्पीड ऑफ साउंड को कंपेयर किया जाता है तो मॉडलस ऑफ इलास्टिसिटी की बेस पे कंपेयर किया जाता है मैं इसको याद रखने के लिए यूं कहता हूं कि जब हम बात कर रहे होते हैं डिफरेंट मीडियम्स की सॉलिड हो गया लिक्विड हो गया गैसेस हो गए तो डिफरेंट मीडियम्स में साउंड की स्पीड को अगर कंपेयर करना होगा तो विद रिस्पेक्ट टू मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी किया जाएगा और यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि सॉलिड का इलास्टिसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड्स और लिक्विड्स की इलास्टिसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू गैसेस इसी वजह से साउंड प्रोपगेट सॉलिड में ज़्यादा स्पीड से करेगा एज कम्पेयर टू लिक्विड और एज कम्पेयर टू गैसेस रीजन आप ये भी लोग देते हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं डिस्टर्बेंस जल्दी ट्रांसमिट होती है तो यही इलास्टिसिटी है कि जब पार्टिकल पार्टिकल क्लोज क्लोज होंगे तो वो ज्यादा इलास्टिक होगा इलास्टिक उसको कहा जाता है जिसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड हो तो सबसे ज्यादा जो डिफॉर्मेशन को रिजिस्ट करता है वो सॉलिड है इस वजह से उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा इलास्टिसिटी की वजह से डेंसिटी की बेस पे आप कभी नहीं कहते क्योंकि आप डेंसिटी की बात करोगे तो वो तो इन्वर्ट है तो गलत हो जाएगा और ओवरऑल जब डिफरेंट मीडियम्स की हम बात कर रहे होते हैं तो ओवरऑल डिफरेंट मीडियम्स के अंदर जो ई e और रो की रेशियो होती है ये से ग्रेटर होती है तो जो फैक्टर डोमिनेट करता है जिस वजह से हम ये डिपेंडेंस ई e पे लेते हैं रो पे नहीं लेते वो क्या है वो मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी है तो जिसका मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा हम ये कहेंगे कि उस मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू ज्यादा है जब हम सेम मीडियम की बात कर रहे होते हैं सेम मीडियम तो फिर हम ई e बेस पे कंपैरिजन नहीं करते फॉर एग्जांपल जब आप कहते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है या ऑक्सीजन में ज्यादा है या नाइट्रोजन में ज्यादा है तो तब आप किस बेस पर कंपेयर कर रहे होते हो तब आप कंपेयर कर रहे होते हो डेंसिटी की बेस पर क्योंकि विद इन सेम मीडियम मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी इतना वेरी नहीं करता जितनी आपकी डेंसिटी वेरी कर रही होती है जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी है वो 16 टाइम ग्रेटर होती है किससे हाइड्रोजन से इस वजह से स्पीड ऑफ साउंड हाइड्रोजन में फोर टाइम ग्रेटर होता है किससे ऑक्सीजन से तो वो किस बेस पर है वो डेंसिटी की बेस पर है और इसी डेंसिटी की बेस पर आप कंपैरिजन एक बना लेते हैं कि अगर आपने दो डिफरेंट गैसेस के अंदर स्पीड ऑफ साउंड को कंपेयर करना है तो v1 ओवर v2 किसके इक्वल होगा अंडर रूट ऑफ रो2 ओवर रो1 तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जब हम सेम मीडियम में बात करेंगे इसके मैं एग्जांपल अगर आपको कह दूं डिफरेंट गैसेस की तो तब हम 몰더स की बेस पे कंपेयर नहीं करते हम डेंसिटी की बेस पे कंपेयर कर रहे होते हैं और तो कब e का रिलेशन यूज होना है कब रो का रिलेशन यूज होना है ये आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के समझ आ जाएगा कि किस बेस पे आप इसका आंसर दे रहे होंगे अब हमारी बुक में स्पेसिफिकली जो स्पीड ऑफ साउंड का टॉपिक डिस्कस हुआ है, वो हुआ है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट जीरो डिग्री सेल्सियस और आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट जीरो डिग्री सेल्सियस कितनी है दैट इज ट्रिपल थ्री या डबल थ्री टू मीटर पर सेकेंड अब इस चीज को दो डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन किया गया इसको न्यूटन ने एक्सप्लेन किया जिसको हम न्यूटन फार्मूला बोलते हैं और इसको लेप्लास ने एक्सप्लेन किया जिसको हम लेप्लास करेक्शन का नाम देते हैं अब न्यूटन फार्मूला और लेप्लास करेक्शन में जो बेसिक डिफरेंस है वो किस चीज का अजम्शन का कि न्यूटन ने यह ज्यूम किया था कि जब साउंड प्रॉबोगेट करेगा एयर में तो हमारे पास ओवरऑल जो एयर है उसका टेम्परेचर कॉन्सटेंट रहता है अब यही एम सी क्यूज़ हैं जो डिफरेंट तरह से पूछे जाते हैं टेम्परेचर कॉन्सटेंट रहने का मतलब होगा कि हमारे पास ओवरऑल उस मीडियम की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या रहेगी वो कॉन्सटेंट रहेगी और इसको यूं भी कहा जा सकता है कि यहाँ जो प्रोसेस होगा अगर टेम्परेचर कॉन्सटेंट है तो वो कौन सा है वो आइज़ोथर्मल प्रोसेस है

हमारे पास हीट कांस्टेंट है तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है ऐसे प्रोसेस को एडिया बैटिक प्रोसेस का नाम दिया जाता है अब दोनों की मैथमेटिकल फॉर्म भी डिफरेंट है जब आप आइजोथमल प्रोसेस की बात करते हो तो आप कहोगे कि न्यूटन फार्मूला के अकॉर्डिंग प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रहेगा लेकिन लेपलास के अकॉर्डिंग प्रेशर वॉल्यूम रेस टू पार गैमा ये कॉन्स्टेंट रहेगा और गैमा आप जानते हैं ये मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है ये रेशियो होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और ये डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट गैसेस मतलब हर गैस के अंदर ये सेम नहीं होगा मोनोटोमिकली कुछ और होगा डाटोमिक के लिए कुछ और होगा पोलीटोमिक के लिए कुछ और होगा अब जब दोनों ने इस एजमशन को यूज किया और मैथमेटिकल सॉल्व किया तो दोनों के रिजल्ट डिफरेंट आए न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आया न्यूटन के अकॉर्डिंग रिजल्ट आया कि स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्रेशर ओवर डेंसिटी यानी मैं ये कह सकता हूं कि न्यूटन के अकॉर्डिंग जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा तो उस मीडियम की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेशर के इक्वल आएगी और इस ऑफ़ इलास्टिसिटी को क्या कहा जाता है इसको बल्क का नाम दिया जाता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एयर की तो अगर हम बात करेंगे वो कौन सा होता है वो बल्क होता है इस वजह से कई दफा हमारे जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें वो कहता है कि हमारे पास जब साउंड ट्रेवल करेगा एयर में तो आइजो बल्क मॉडल किसके इक्वल होगा तो आपका आंसर होगा दैट इज इक्वल टू प्रेशर और जब हम बात करते हैं किसकी लेप्लास की तो लेप्लास की कलेक्शन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला है वो गैमा टाइम्स प्रेशर ओवर डेंसिटी के इक्वल है और इसके अकॉर्डिंग जो मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी वो प्रेशर नहीं वो गैमा टाइम प्रेशर के इक्वल है तो जिस तरह डिफरेंट गैसेस के लिए गैमा डिफरेंट होगा डिफरेंट गैसेस के लिए मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी भी डिफरेंट होगा और इस मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी को क्या बोलते हैं एडियाबैटिक बल्क मॉडल तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एडियाबेटिक बल्क मॉडल और आइजोथर्मल बल्क मॉडल इन दोनों की रेशो किसके इक्वल है तो आपका आंसर होगा गैमा क्योंकि तो आपको दोनों का अब फार्मूला पता चल गया तो इस फार्मूला से अगर हम रेशो लिखें अगर वो डाया की बात करें तो आप डाया की गैमा की वैल्यू पुट कर देंगे वो आपका आंसर होगा इसकी बात हम करेंगे आगे जाकर थर्मोडाइनमिक्स में क्या आप लोगों को याद है गैमा की वैल्यूस कि मोनोटॉमिक डायटॉमिक और पोलियटॉमिक के लिए गैमा की वैल्यू क्या है क्योंकि अगर हमसे पूछा जाए कि स्पीड ऑफ साउंड किस में ज्यादा होगी मोनोटॉमिक में डायाटॉमिक में या पोलिटॉमिक में तो जिसमें गैमा की वैल्यू ज्यादा होगी वहीं पर ज्यादा आएगा तो क्या वैल्यूज इन तीनों गैसेस के लिए मोनो में ज्यादा होगी क्योंकि मोनो में गैमा कितना होता है 1.67 और इस तरह डाया में 1.4 और पोली में आपका 1.29 दोनों के इस फार्मूला से स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू भी आपको पता होती है कि न्यूटन के अकॉर्डिंग जो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू आती है वो 280 मीटर पर सेकंड आती है और जब का तो परसेंटेज एरर एरर आपके पास कैलकुलेट हो जाता है कितने परसेंट हमारे पास एरर होगा एरर जो वैल्यू के अंदर है

अगर सिर्फ एरर पूछेंगे तो वह अप्रॉक्सीमेटली 53 मीटर पर सेकेंड है तो ये चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं कि इन केस अगर ये स्पीड ऑफ साउंड का टॉपिक आपका ऐड होता है तो आपको पता होना चाहिए इसके अलावा बाकी जो टेस्ट हैं उनमें तो ये टॉपिक है तो ये बेसिक पॉइंट हैं न्यूट्रन फार्मूला और लेप्लास कुरेक्शन के ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गैमा की वैल्यू मैं, मैं मेंशन भी यहाँ पर कर देता हूँ कि गैमा फॉर मोनो गैमा फॉर डाया एंड गैमा फॉर पोलियोटॉमिक गैस वन पॉइंट और 1.29 तो ये वैल्यूज अगर नहीं याद तो इनको आपने याद करना है आगे जाकर हमारे यूनिट जो लास्ट है फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर एट हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स उसमें भी यूज होगा लास्ट पॉइंट आज के टॉपिक का डिपेंडेंस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता क्या स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता ह्यूमिडिटी पे डिपेंड नहीं करता डेंसिटी पे नहीं करता या टेम्परेचर पे नहीं करता जी जो स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि तो प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम कम हो जाता है और ओवरऑल इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा इसके अलावा स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी पे डिपेंड भी करेगा स्पीड ऑफ साउंड मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी इस पर डिपेंड भी करेगा और इसके अलावा जो स्पीड ऑफ साउंड है वो टेम्परेचर पे डिपेंड भी करता है। अब इनसे रिलेटेड रिजल्ट मैं लिख रहा हूं जो आपने याद रखना है कि प्रेशर के बारे में अगर सवाल आता है कि प्रेशर हमने डबल कर दिया स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी मीडियम में तो याद रखें कि स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर इसको यूँ लिखा जाता है जब कोई चीज़ डिपेंड नहीं करती तो उसकी पावर क्या होती है जीरो डबल करें हाफ करें स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट रहती है डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन होगा डेंसिटी के साथ हम रिलेशन यू लिखेंगे स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्के रूट ऑफ डेंसिटी यानी जिस मीडियम की जिस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू कम होगी और ये रिलेशन यूं लिखा जाएगा तो पहले भी हम लिख चुके वी प्रोपोर्शनल टू वन ओवर अंडर रूट रो और यहां से रेशो के ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं तो अगर रेशो के क्वेश्चन आए वी वन ओवर वी टू गैस नंबर वन ओवर गैस नंबर टू बाय डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी याद रखिएगा मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी के साथ हमारे स्पीड ऑफ साउंड का डायरेक्ट रिलेशन होता है जितना मॉइस्चर हमारा ज्यादा आता है बेसिकली मॉइस्चर के आने से डेंसिटी कम हो जाती है और जब मॉइस्चर के आने से डेंसिटी कम हो जाएगी स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा हो जाएगी तो इसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास है किसके साथ विद स्पीड ऑफ साउंड वेट एयर में स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी ज्यादा या कम एज कंपेयर टू ड्राई एयर अगर करें वेट एयर में क्या स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है या कम है जी ज्यादा है क्योंकि जितना हमारे पास मीडियम में मॉइस्चर ज्यादा होगा उतनी डेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि मॉइस्चर जब आता है तो हमारे पास डेंसिटी में चेंज आ रहा होता है और डेंसिटी का रिलेशन हम पढ़ चुके हैं तो ओवरऑल हम स्पीड ऑफ साउंड के बारे में क्या कहेंगे कि मॉइस्चर और इम्यूनिटी हमारे पास जितनी ज्यादा होगी स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है इस वजह से वेट एयर अगर आपके पास है तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है एज कंपेयर टू ड्राई एयर और क्यों डेंसिटी कम होती है क्यों बताएगा इसकी रीजन कि मॉइस्चर के आने से डेंसिटी क्यों कम हो जाती है इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है जी स्पेस इंक्रीज वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली डेंसिटी की वैल्यू कम हो जाती है लास्ट पॉइंट हमारा टेम्परेचर का है और टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन क्या है डायरेक्ट तो यहां पर ये यह लिखेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्के रूट ऑफ टेम्परेचर जितना हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा होगा उसके अंडर रूट के साथ आप कहेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है और इससे रिलेटेड जब रेशो के क्वेश्चन आते हैं तो ये रेशो का रिलेशन बनेगा वी वन ओवर वी टू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी वन और टी टू और ये ख्याल रखना है कि इस रेशो में जब वैल्यूज को पुट करना है तो ये टेम्परेचर आपका केल्विन में होना चाहिए सेल्सियस में नहीं होना चाहिए ये केल्विन में होगा अगर आप सेल्सियस में पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा तो यहाँ मैं मेंशन कर भी देता हूँ स्पेसिफिकली कि जब भी ये फार्मूला आप लोग यूज़ करेंगे आपका टेम्परेचर कैल्वन में होगा एक फार्मूला इस चैप्टर में और भी है और वो फार्मूला ऐसा है जिसमें स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करना है लेकिन वहां पर टेम्परेचर को सेल्सियस में पुट करना है और वो फार्मूला कहाँ पर यूज होता है वो फार्मूला यूज होता है टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर और वो फार्मूला लिखते कैसे दैट इज वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस फार्मूला में याद रखिएगा कि जब भी आपने इसको सॉल्व करना है आपने टेम्परेचर को सेल्सियस में पुट करना है। और अगर इस फॉर्मूला में आप कैलवन में पुट कर देंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा और इसकी डायरिवेशन आप लोग करते भी अपने कोर्स में और वी नॉर्ड क्या है ये बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड है एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड इसकी वैल्यू डबल थ्री टू मीटर पर सेकेंड पुट की जाती है ये जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू है तो ये दोनों फार्मूलाज मैंने इकट्ठे लिखे हैं ताकि आपको आइडिया हो कि ये जो फार्मूला रेशो का ये यहाँ भी यूज़ होता है आगे जाके थर्मोडाइनमिक्स में भी यूज़ होता है वहां पर ये रूट मीन स्केर के वेलोसिटी का फार्मूला है ये फार्मूला कैलवन में यूज़ होगा और ये जो नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा ये तब होगा जब आप टेम्परेचर सेल्सियस में है और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आप स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करना चाहते हैं अब दोनों फार्मूला से का यूज में बता दूं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन फिर आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा अगर आपसे सवाल पूछे कि एट एब्सोल्यूट जीरो एट स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू क्या हो जाती है क्या आंसर देंगे और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा इसी फार्मूला से रिलेटेड फॉर एवरी वन डिग्री सेल्सियस इज इन टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज बाय डैश परसेंट थर्ड क्वेश्चन एक और मैं आपको लिख देता हूं और यह तीनों के आंसर आप लोग मुझे कल देंगे और थर्ड मेरा क्वेश्चन जो है वो क्या है फॉरवर्ड फैल्यू ऑफ टेम्परेचर Speed of sound becomes half as compared to जीरो degree Celsius. ये तीनों क्वेश्चन आपके एक तरह के असाइनमेंट है ठीक है जो एब्सल्यूट जीरो वाला क्वेश्चन है वो थ्रेटिकल आपने सॉल्व करना है कि थ्रेरेटिकल उसकी वैल्यू क्या आती है कि अगर आप इन फार्मूला से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास उसका क्या रिज़ल्ट आता है तो तीनों के आंसर कल दीजिएगा कल स्टार्ट हम यहीं से करेंगे इन तीनों क्वेश्चन से और फिर उसके बाद हम कल का लेक्चर स्टार्ट करेंगे और कल का जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे स्टेशनरी वेव्स की और स्टेशनरी वेव के अलावा हम बात करेंगे डॉपलर्स इफ़ेक्ट की ये कल के हमारे टॉपिक होंगे तो अगर टाइम अगर बचेगा तो हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात भी करेंगे जो पहला क्वेश्चन मैंने कहा है ना एप्सिल्यूट जीरो स्पीड ऑफ साउंड उसको आपने थ्रेटिकल कैलकुलेट करना कि थोरेटिकल उसकी वैल्यू क्या आती है तो आज के लेक्चर में मैक्सिमम जो चीजें हैं वो थ्रेटिकल हैं फार्मूलाज बड़े कम ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड मेडिकल टाइप क्वेश्चन आता है अगर आप पास को देखें ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो थ्रेटिकल बेड होते हैं तो प्रॉपरली बुक से पढ़ें ताकि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपकी क्लियर हो जाए कल इसका आंसर दीजिएगा कल मैं स्टार्ट में इसका सोल्यूशन करवाऊँगा आज के लिए इतना ही